ज्ञान टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा अलग जाएंगे और शिव और अर्जुन से जुड़ी हुई एक कथा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये कथा शिवजी और अर्जुन के बारे में बहुत ही प्रख्यात है। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषिगण यहाँ तपस्या किया करते थे। एक दिन यह अनजान पुरुष कौन है, इसे क्या यह ज्ञात नहीं कि यहाँ अस्त्र लाना नहीं चाहिए। ऋषि पुत्र नदी के किनारे तक उस पुरुष के पीछे गए और देखने लगे कि वह क्या करता है। यह धनुष तो देखो अर्जुन है क्या? वे तो यहाँ क्यों आए हैं? कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हार गए हैं। पांडव वनवास कर रहे हैं। ये भगवान से वरदान मांगने आए होंगे। वे अर्जुन ही थे और भगवान शिव का आराधना करने आए थे। ओम नमः शिवाय। कई दिन बीत गए। ओम नमः शिवाय। 4 महीने बाद इससे आगे नहीं जा सकते। इनकी तपस्या का ताप तो दूर दूर तक फैल रहा है। सारे जंगल तपने लगा। इंद्रकील के सारे तपस्वी कैलाश गए, जहां शिव का वास है। कैलाश पर प्रभु अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा को हरो। तथास्तु। ऋषि जब लौट गए, स्वामी अर्जुन को क्या चाहिए? देवी अस्त्र चाहिए। उनका प्रयोग कर लेगा वह, मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। मैं साथ चलूं, चलो भेष बदल कर मैं किरात नारी बन जाती हूँ। ये बात शिवगणों को मालूम हुई तो, प्रभु हमारी इच्छा है कि इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चलें। तुम्हें किरात नारियों का भेष बनाना होगा। फिर वे इंद्रकील पहुंचे तो स्वामी वह शूका देख रहे हैं? हाँ, अभी तीर से मार गिराऊंगा। किंतु शूकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर उत्पात मचाया तो ऋषि भाग खड़े हुए। मूकासुर फिर आ गया शुकर बनकर। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चलाया। ठहरो, ये मेरा है, मुझे दे दो, मेरा मैंने पीछा किया है। मारो और ले जा। शिकारी भीख नहीं ले मांगते। शूकर के एक साथ 2 तीर लगे। वह गिर पड़ा और उसका मूकासुर वाला असली रूप प्रकट हो गया। सरदार जी की जय, तुम्हारे भाण से मरा है। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कुराए। किरात, इस घने वन में इन नारियों को भय नहीं लगता, अकेले तुम साथ हो। युवक, हमें किसी का डर नहीं है। शायद तुम डरते होगे, हो भी तो कोमल। मैं कोमल? तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शुकर को वेदा है। सभी किरात नारियां, शुकर हमारे सरदार के बाण से मरा है, ये सच कहती हैं। तुम्हारा बाण मोदा शुकर को लगा। अर्जुन को क्रोध आ गया। किरात, इस बात का निर्णय हो जाए कि हमें से कौन श्रेष्ठ है।
दोनों धनुधारियों ने बाणों की झड़ी लगा दी। कुछ देर में मेरे बाण चूक गए, किंतु किरात को खरोंच तक नहीं आई। धनुधारी वीर, क्या मैं कुछ बाण तुम्हें उधार दे दूं? अर्जुन ने झपट कर किरात को अपने धनुष की पतंचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने धनुष अर्जुन से छीन कर दूर फेंक दिया। किरात नारियां हर्ष से नाच उठी। तपस्वी हार गया, अर्जुन घबराए नहीं और तलवार लेकर किरात की ओर बढ़े। किरात, भगवान का स्मरण कर, तेरा अंत आ गया है, अंतकाल आ गया है। किंतु अर्जुन ने जब तलवार किरात के सिर पर मारी तो वह टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो पेड़ उखाड़कर फेंकने लगे, परंतु किरात पर कोई असर नहीं हुआ। किरात ने कलाई घुमाकर अर्जुन को उठाया और धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गए। तब उन्हें शिव की याद आ गई। वह शिवलिंग बनाया, उन्होंने वहां शिवलिंग बनाया और उपासना करने लगे। उनके शरीर में नई शक्ति दौड़ गई। तब उन्होंने फिर से किरात को ललकारा, किरात, तेरा काल आ गया। अचानक वे जहां के तहां स्तब्ध खड़े हो गए। ये पुष्प जो मैंने शिव जी पर चढ़ाए थे, तुम्हारे सिर पर, समझा प्रभु स्वयं आए हैं। अर्जुन किरात के पैरों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया। तब शिव अपने असली रूप में आए और पार्वती जी भी। मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पशुपतास्त्र का भेद तुझे बताता हूँ, संकट के समय ये तेरे काम आएगा। शिव जी का वचन सत्य हुआ। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने विरोधी जयद्रथ का पशुपतास्त्र से अस्त्र से अंत कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जाते हुए ओम नमः शिवाय। आज